हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही प्यारे वीडियो में जो SV90 का मेरा सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। मेरी सबसे पसंदीदा चीज क्रिकेट। क्रिकेट सबसे बड़ा टूर्नामेंट SV90 का MMNCT जो कि सबसे मेजर स्पोर्ट खेला जाएगा, वो अभी शुरू होने वाला है। कुछ देर में इनॉग्रेशन होगा। टोटल 15 टीमें हैं बॉयज की, 5 टीमें हैं गर्ल्स की। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट होगा, आप सभी लोगों को देखने में मजा आएगा। चलो मैं अंदर पूरी ग्राउंड की क्या तैयारी है पूरी आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से। MNCT के कुछ खिलाड़ी हम लोग को फर्स्ट ईयर वाले मोस्टो पे याद है। इन लोग आते ही बहुत लकी है कि MNCT डायरेक्ट खेलने मिल रहा है, तो इन लोग से जानते हैं कैसा इनको एक्सपीरियंस अभी तक का लग रहा है कि कितना मजा आने वाला है। कौन बोल? मतलब काफी एक्साइटेड है खेलने के लिए। पहली बार मतलब ऐसे इतना शानदार टूर्नामेंट हो रहा है कॉलेज में, मतलब हमारे लिए तो पहली बार ही है, तो काफी एक्साइटेड है। देखते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। और बताओ भाई, फर्स्ट ईयर हो तुम लोग तो काफी एक्साइटमेंट है। फर्स्ट टाइम आए हैं और MMCT खेलने का मौका मिल रहा है, तो होप करते हैं कि हम लोग जीतेंगे। और ये होप गलत है, अभी तक नहीं जीता है सर। इस बार कोशिश करेंगे, जीत जाएंगे इस बार, जिता देंगे इस बार, जीत जाएंगे सर। जो चीज नहीं हुई है वो ये करके दिखाएंगे। बिल्कुल हाँ, पूरी कोशिश रहेगी जीतने की। दोबारा वीडियो बनाना, देख रहे हो, जोश देख रहे हो इनका। चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट सबको, अच्छा सा खेलना, ठीक है। मैं खिलाड़ियों से मिलवाया आपको, यहाँ पे देखो कितने सारे लोग मौजूद है फिलहाल ग्राउंड में। तो और पिच भी काफी शानदार, रातों की मेहनत लगा के ये पिच तैयार किया है। आइए पिच देखते हैं। कुछ खिलाड़ियों से पूछते हैं। दिनेश भैया थर्ड ईयर के कैप्टन है जो, दिनेश हमारे विरोधी थर्ड ईयर बी टीम के कैप्टन है, उनसे पूछते हैं कि उनको अभी कैसा लग रहा है MMCT का। ये है कि अभी फर्स्ट टाइम MMCT खेल रहे हैं हम लोग कॉलेज के बाद, ये टूर्नामेंट है हमारा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा कंपटीशन है एक दूसरे में। PhD M.Tech सारी अच्छा लग रहा है, अपना टैलेंट दिखाने को यहाँ एक ये बढ़िया। ऑल द बेस्ट आपको भी, आप और भी। It is in the remembrance of a student, Manoj Kumar, who was pursuing electrical engineering in the institute and unfortunately died of dengue. In this remembrance, this tournament is being organized, and this is the 16th edition of this tournament, MMNCT 2023. Now, in this, we would like to observe a 2-minute silence. समन के रूप में समन कैप्टन थे, एम्पायर का डिसीजन आउट है। लेकिन मैं बता दूं मनीष भाई कि ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट यहाँ पे नहीं चलेंगे, ये MMNCT है और 55 रन से यहाँ पे काम नहीं चलेंगे। 7 ओवर में लास्ट ओवर में कुछ करिश्मा करना होगा लोकेलाइट के बैट्समैन को, और ये उठा के खेलना चाहते थे लेकिन बॉल पूरी तरह से छका। फर्स्ट इनिंग्स हो चुकी है खत्म, लोकलाइट्स ने पूरी टीम ने मिलके मतलब थोड़ा अच्छे से खेल नहीं पाए, 62 का टारगेट दिया है मात्र 62 रन। तो देखते हैं कि अभी फोर्थ ईयर की टीम बना पाती कि नहीं। अजय भाई क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? बहुत कम ही रन बनाए इन्होंने, तो हमें लगता है कि फोर्थ ईयर जीत जाएगा। फोर्थ ईयर जीत जाएगा, हाँ मतलब यहाँ के हिसाब से कम है लेकिन क्रिकेट है, देखते हैं। क्रिकेट निश्चित। इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन होते हुए स्कॉर्पियंस टीम के प्लेयर और अगली बॉल को उठा के खेल दिया गया है। फील्डिंग देखते हैं क्या करता है, बहुत काफी अच्छा फील्डिंग का मुजहरा पेश करते हुए और स्कॉर्पियंस टीम को 2 ओवर में 22 रनों की जरूरत है। लोकेलाइट्स की टीम 100% अपना योगदान फील्डिंग में देते हुए
इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी को समझिएगा कम तो निकल जाएगा दम। क्या बात है। शुभम बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, कैप्टन, फर्स्ट ईयर के कैप्टन, फर्स्ट डे स्टेट बैंक उठा के खेला है, सीधा स्टेट बैंक पवन है। पवन यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या होता है चार ओवर 90 रन, फर्स्ट ईयर को पूरा तबाह कर दिया एकदम। भाई सार भाई क्या लग रहा है, मैच डिक्लेयर हो गया यार, बेचारे रो रहे होंगे फर्स्ट ईयर वाले। काना फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ बोलना चाहेगा? घर जाओ बोल रहे भाई। और यहाँ पे निंजा टीम जीतते हुए शानदार जीत के साथ खुशी मनाते हुए, कृपया कर ग्राउंड पे ना दौड़े, पीच पे ना दौड़े। तो दो मैचों के बाद मैं चला गया था वापस रूम पे थोड़ी देर आराम करने के लिए, फोन भी डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन अब अपन जा रहे वापस से। बहुत अच्छी खेल रही गर्ल्स को जीतने के लिए 9 बॉल में 6 रन चाहिए। और ये अगली बॉल टीम का मैच चल रहा है, पीएचडी वर्सेस फोर्थ ईयर टीम है जो हमारे पूल के है। तो ये मैच बॉल में 109 रनों की जरूरत, क्या लगता है अभिषेक भाई? कोई कुछ बचाएगा मैच में? बस बॉल डालने की, हाँ सेलिब्रेशन बचा है। ये रे पीएचडी का खेमा, तगड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है अभी। हे बॉल में 109 रनों की जरूरत, क्या लगता है अभिषेक भाई? कोई कुछ बचाएगा मैच में? बस बॉल डालने की, हाँ सेलिब्रेशन बचा है। ये रे पीएचडी का खेमा, तगड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है अभी। जी हाँ, शानदार माहौल बन चुका है ग्राउंड पे। और ये चौड़ी बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, चौड़ी बॉल मींस वाइड बॉल, इतना है तो रन रोकना पड़ेगा। दूसरी बॉल इतना ही पड़ेगा। और ये अच्छा शॉट लेकिन कैच आउट। जी हाँ, चार बॉल में 10 रन चाहिए, लास्ट बॉल 4 रन। बहुत ही हाई वोल्टेज मैच, बहुत ही हाई वोल्टेज मैच, रोमांचक। मेसी से बहुत आसान जुड़ी हुई है और ये बॉल और लगा शानदार चौका। जी हाँ, और ये दो एक रन दो रन से संतोष करना पड़ेगा। और यहाँ पे एमटेक फर्स्ट ईयर की टीम जीत चुकी है और इमोर्टल्स हार गई।